तो मैं मलाड मुंसिपल सेकेंडरी स्कूल से मेरा नाम अजिता विपिन दुबे मैं आज आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा नब्बी का पाठ क्रमांक सोलह जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके पहले वाला आनुवांशिकता और परिवर्तन उसमें जो हमारा मेन मुद्दा है वो है मेंडल का अनुवंशिकता का सिद्धांत तो इसके पहले ही बच्चों मैंने आपको बताया था अनुवंशिकता मतलब माता और पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण जो अनुवांशिकता है उसका मतलब माता और पिता के शारीरिक लक्षण शारीरिक और मानसिक लक्षण संतति में संतति में मतलब संतान में संक्रमित होने की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं अनुवांशिकता इसलिए एनिमल्स के बच्चे जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वो कुत्ते के समान कबूतर के बच्चे कबूतर के समान तो मानव की संतान जो है वो मानव के समान होती है फिर हम लोग ने इस पाठ में देखा था गुणसूत्र क्या होता है जो कि डीएनए का ही रूप है गुणसूत्र डीएनए से ही बना होता है और कोशिका विभाजन के समय हमें देखने को मिलता है फिर हम लोग ने पढ़ा था गुणसूत्रों के प्रकार मध्य केंद्र की उप मध्य केंद्र की अग्र केंद्र की और केंद्र की फिर उसके बाद मैंने आप लोग को डीएनए की पूरी रचना बताई थी जो दो वैज्ञानिक थे अपने व्हाटसन एंड क्रिक 1953 में उन्होंने डीएनए की पूरी रचना बताई थी ये डीएनए ही होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संक्रमित होता है माता पिता के द्वारा फिर मैं हम लोग ने पढ़ा था किस तरह से जो डीएनए के ऊपर संकेत होता है मुझे किस प्रकार के प्रथिन का निर्माण करना है तो उस प्रथीन का निर्माण करने में आर एन ए राइबो न्यूक्लिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसके तीन प्रकार है आर आर एन एम आर एन ए और टी आर एन ए ये पूरा हम लोग ने इस पार्ट में डिटेल में पढ़ा था हर एक चीज मैंने आपको बताया था आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपकी किताब का पेज नंबर वन एटी फोर मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत तो ये मेंडल वैज्ञानिक थे ग्रेगर जोहान्स मेंडल इनका नाम ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक ओके तो जैसे इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी जैसे देखो क्या आपने कभी सोचा है जैसे ये वाला डायग्राम देखो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखों आपकी आंखें आपके कान आपके नाक आपकी त्वचा का रंग ऐसा क्यों है क्या आप जानते हैं कि अगर आप आप में ये जो लक्षण है वो माता पिता के द्वारा आए हैं और कौन से माता से आए हैं और कौन से पिता से आए हैं तो ये हम देखते हैं तो इसी का मतलब होता है अनुवांशिकता हमें पता है हमारी आंखों का रंग नाक का नाक त्वचा कान हम बोलते हैं ना किसके जैसा है तो ये हमें कभी कभी लक्षण माता से मिलता है और कभी कभी पिता से मिलता है तो ये लक्षण हमें माता और पिता के द्वारा प्राप्त होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो मेंडल जो ग्रेगर जोह मेंडल वैज्ञानिक थे जैसा कि आप लोग देख रहे हो फोटो में दिखाई दे रहे हैं इन्होंने अपने निष्कर्षों को प्रकाशित किया कि किस प्रकार संतति में संतति में मतलब बच्चों में लक्षण अपने माता पिता से आते हैं और इसके लिए उन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया उनके निष्कर्ष मटर के पौधों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के विन्यास पर आधारित थे मतलब उन्हें उन्होंने मटर का पौधा लेकर उस पर प्रयोग किया और उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में और उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी में हमें कौन कौन से लक्षण जो है वो कौन से लक्षण माता के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं और कौन से लक्षण पिता के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं तो इसके लिए उन्होंने मटर का पौधा लिया जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइव ये है मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम जैसे कि आप लोग बच्चों यहाँ पे देख रहे हो कि ये ये पिता है और ये माता है और ये उसका बच्चा है संतति है तो ये जो पिता का जो ये, ये जो कान की पल्ली है बोलते हैं ना हम एक मिनट ये जो पिता की कान की जो ललरी है वो अटैच है अटैच है मतलब जुड़ी हुई है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जबकि माता की जो है ये कान की ललरी जो है वो कान से चिपकी हुई ललरी है मतलब फ्री ने फ्री है ये जो पिता का है वो अटैच है जुड़ा हुआ है कान से चिपका हुआ है जबकि ये जो माता की माता की ललरी है वो कान की खुली ललरी है फ्री एयरलोब है hmm. तो आप लोग देख सकते हो बच्चों की जैसा मैंने आपको बताया था कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है फोर्टी सिक्स में से आधा जो तेईस गुणसूत्र होता है वो पिता के द्वारा बच्चे को मिलता है और बचा हुआ तेईस गुणसूत्र जो है वो माता के द्वारा जो है वो बच्चे में आता है तो इस तरह से तेईस जोड़ी मतलब फोर्टी सिक्स गुणसूत्र जो है वो मनुष्य में पाया जाता है जिसमें से आधा जो है वो माता के द्वारा प्राप्त होता है और आधा जो है वो पिता के द्वारा प्राप्त होता है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो टोटल फोर्टी सिक्स गुणसूत्र हो गया किसके अंदर इस बच्चे के अंदर मतलब इनकी संतान के अंदर ये जो बच्चा है इनका इसको टोटल फोर्टी सिक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ जिसमें से तेईस उसके उसे फादर से मिला है और तेईस जो है वो उसके उसे मदर से प्राप्त हुआ है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो जो बच्चे को जो ईयर लोब मिला है ये जो बच्चे को ईयर लोब मिला है ईयर लोब मतलब कान की ललरी वो उसको अपने फादर के द्वारा प्राप्त हुई है अटैच है देखो जुड़ा हुआ है कान से चिपकी हुई लल रही है जबकि जो मदर की थी वो फ्री थी कान की खुली लल रही थी तो देख रहे हो जो ब, जो बच्चे को जो ईयर लोब मिला है कान की ललरी मिली है वो उसके उसे फादर के द्वारा प्राप्त हुई है अटैच है देखो कान से चिपकी हुई लल रही है तो यहाँ पे जो पिता का जीन है यहाँ पे जो उसके पिता का जनुक है वो डोमिनेंट है डोमिनेंट मतलब प्रभावी है जो कि उस बच्चे को जो है वो प्राप्त हुआ है माता का भी जीन है जैसे पिता का जीन है वैसे माता का भी जीन दोनों का जीन इस बच्चे के अंदर है लेकिन जो प्रभावी था लेकिन जो प्रभावी था उसका ही गुण जो है वो उठकर आ रहा है दिखकर आ रहा है तो ये जो बच्चे को जो लोब मिला है जो कान की ललरी मिली है वो कान की चिपकी हुई ललरी उसे उसके पिता के द्वारा जो है वो प्राप्त हुई है तो माता पिता से संतान को समान मात्रा में जनुकीय पदार्थ हासिल होता है तेईस और तेईस टोटल मिला के फोर्टी सिक्स इस विचार पर लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांत पर आधारित है तो इसको देखने के लिए मेंडल के सभी प्रयोग मटर के पौधे पर दिखाई देने वाले लक्षणों पर आधारित थे यहां पर देखो मटर जो मेंडल थे उन्होंने मटर का जो है वो पौधा लिया जिसमें से उन्होंने देखो इन्होंने बताया कि मटर के पौधे में नर और मादा नर मतलब पुरुष और मादा मतलब स्त्री तो मटर के पौधे में नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं और वे दूसरे पौधों के साथ स्व परागण और परपरागण करते हैं स्व परागण मतलब क्या जब उसी वृक्ष का परागकण उसी वृक्ष के फूल पर मतलब वृक्ष पर फूल होते हैं फूल में परागकण होते हैं तो जब एक फूल का परागकण उसी वृक्ष के दूसरे फूल पर गिरता है तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। और जब एक वृक्ष के फूल का परागकण दूसरे वृक्ष के फूल के पराकण पर गिरता है तो उसे बोलते हैं परपरागण तो जब बीजांड और पराकण का जब फलन होता है तब जाके फूल से फल का निर्माण जो है वो होता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बच्चों कि मेंडल ने सात प्रकार के लक्षणों को लिया मटर के पौधे में सबसे पहले उन्होंने लिया फूल का रंग फिर उन्होंने लिया फूल की स्थिति मतलब कहाँ पे फूल लग रहा है अक्षीय है कि अंतिम है फिर उन्होंने लिया है बीज का रंग फिर उन्होंने लिया है बीज का आकार फिर उन्होंने लिया है फली का आकार फिर उन्होंने लिया है फली का रंग और फिर उन्होंने लिया है तने की लंबाई तो यहां पर मैं आपको बता दूं ऊपर वाले जितने हैं वो सब प्रभावी हैं और नीचे वाले जितने हैं वो सब अप्रभावी हैं प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है मैं आपको बताती हूं अभी तो यहाँ पर फूल का रंग उन्होंने दो प्रकार का लिया है एक बैंगनी और एक सफेद जिसमें से दोनों के जनुक रहेंगे जो F1 वन पीढ़ी रहेगी उसमें दोनों के जनुक रहेंगे बैंगनी के भी रहेंगे सफेद के रहेंगे पर जो बैंगनी रंग का जो जनुक है वो प्रभावी होगा तो वो उसका जो कलर रहेगा फूल का वो बैंगनी ही होगा क्योंकि यहाँ पे बैंगनी रंग को प्रभावी कहा गया है तो प्रभावी अप्रभावी को बेअसर जो होता है वो अप्रभावी का असर कम कर देता है भले ही का जनुक रहेगा लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा अपना प्रभाव केवल जो प्रभावी है वही दिखा पाएगा भले ही अप्रभावी का जनुक होगा लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा क्योंकि प्रभावी ने अप्रभावी के लक्षण को कम कर दिया ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये मेंडल का जो आप लोग सोचते होंगे कि ये क्यों मतलब मटर का पौधा तो मेंडल ने मटर का पौधा लिया था जिसमें से एक था नर था और दूसरा पौधा जो है वो मादा नर जननंग और मादा जननंग तो उन्होंने उनके बीच में संकर कराया फलन कराया पराकण और बीजांड का और उन्होंने देखा कि वन पीढ़ी जो पहली पीढ़ी आती है उसमें कौन से लक्षण जो है वो संतान में देखने को मिलते हैं या माता या माता के द्वारा मिला हुआ या फिर पिता के द्वारा मिला हुआ तो यही प्रयोग करने के लिए मेंडल ने मटर का पौधा लिया उसमें उन्होंने फूल के रंग में बैंगनी रंग को प्रभावी कहा और सफेद वाले रंग को अप्रभावी कहा जो फूल की स्थिति अक्षीय होती है उसे प्रभावी कहा और जो अंतिम है उसे अप्रभावी कहा बीज का रंग यदि पीला होगा तो वो प्रभावी होगा यदि बीज का रंग मटर का जो निकलता है ना दाना तो उसका अगर रंग पीला रहा तो वो प्रभावी होगा अगर उसका रंग हरा रहा तो अप्रभावी होगा फिर अगर वो गोल आकार का रहेगा तो प्रभावी रहेगा अगर वो झुर्रीदार रहेगा तो अप्रभावी होगा अगर वो पूर्णतः भरा हुआ होगा पूर्णतः अगर भरा हुआ मटर रहे मतलब सेम का आकार रहेगा तो वो प्रभावी होगा और अगर वो संकीर्ण संकीर्ण मतलब चपटा रहेगा तो वो अप्रभावी होगा अगर फली का रंग हरा होगा तो उसका ही लक्षण जो है वो देखने को मिलेगा उसे प्रभावी कहा गया और यदि रंग पीला होगा फली का तो उसे अप्रभावी लक्षण कहा गया तने की लंबाई यदि पौधे की यदि पौधा मटर का लंबा है तो उसे प्रभावी बोला गया यदि बौना है तो उसे अप्रभावी कहा गया तो इस प्रकार ये सात लक्षण जो है वो मेंडल ने मटर के पौधे का लिया इसमें प्रभावी लक्षण उठकर आएगा और अप्रभावी अपना असर नहीं दिखा पाएगा यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको जो, जो या, वह लक्षण जो संतति में व्यक्त होता है संतति मतलब संतान F1 पीढ़ी वह लक्षण जो संतति में व्यक्त होगा उसे प्रभावी लक्षण कहा मेंडल ने और जो लक्षण संतति में जनुक है जनुक है उस लक्षण का लेकिन छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा गया यहां पर देखो मेंडल ने अपने प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले जो जनक थे उसमें दो पौधों को उन्होंने लिया एक मिनट सबसे पहला है लंबा पौधा और दूसरा है बौना पौधा सबसे पहला उन्होंने लिया लंबा पौधा और दूसरा लिया उन्होंने बौना पौधा ये जनक है जैसे मैं लंबे पौधे को मैं कंसीडर कर लू कि वो फादर है मतलब नर नर जनन अंग है और अगर यदि और इसको जो छोटा छोटा पौधा है बौना पौधा है उसको मैं मादा कंसीडर करती हूँ मादा मतलब मदर तो ऐसा मेंडल ने किया कि उन्होंने लंबे वाले पौधे को नर बोला ये देखो ये नर की साइन है पुरुष और ये साइन है फीमेल की ये वाली साइन जो दिख रही है वो फीमेल की है मादा की है और ये वाली नर जनन अंग की है फिर आप लोग देख रहे हो देखो यहां पर ध्यान से देखो कैपिटल कैपिटल टी कैपिटल टी लिखा है और यहां पर स्मॉल टी स्मॉल टी लिखा है बच्चों मैं आपको बता दू हां और ये जो ये स्क्वायर है उसे बोलते हैं पनेट स्क्वायर आपकी किताब में दिया हुआ है पेज नंबर वन एटी फाइव जनक पीढ़ी पीवन जहां पे लिखा है उसके अंदर दिया है इसको बोलते हैं पनिट स्क्वायर और यहाँ पर मेंडल ने दो पौधों को लिया एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया लंबे पौधे को उन्होंने नर नर कहा पुरुष और बौने पौधे को उन्होंने मादा कहा और एक चीज जो भी जनुक होते हैं वो हमेशा जोड़ी में होते हैं जो भी जनुक होते हैं जैसे मैंने आपको बताया पुरुषों में कैपिटल एक्स कैप जो एक्स एक्स होता है और स्त्रियों में एक्स वाई होता है तो हमेशा जोड़ी में होते हैं तो यहां पर भी कैपिटल टी कैपिटल टी मतलब टॉल वो लंबे पौधे का जनुक है और स्मॉल टी स्मॉल टी मतलब शॉर्ट ये बौने पौधे का जनुक है ओके okay? क्योंकि जो जनुक होते हैं वो हमेशा जोड़ी में होते हैं लक्षणों के संक्रमण के लिए जो उत्तरदायी घटक होते हैं वो हमेशा जोड़ी में होते हैं जिसे मेंडल ने जनुक नाम दिया तो जो प्रभावी है इसमें मैंडल ने ये जो लंबा पौधा है उसको प्रभावी कहा तो जो प्रभावी होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है कैपिटल टी कैपिटल टी जो अप्रभावी होता है उसे हम लोग स्मॉल में लिखते हैं स्मॉल टी स्मॉल टी ओके okay. अब यहां पर देखो कैसे सेपरेट हो गया है इसके दो युग्मक बनते हैं तो मादा की तरफ से दो युग्मक बने स्मॉल टी स्मॉल टी और पिता के तरफ से दो युग्मक बने कैपिटल टी कैपिटल टी अब ऐसे बॉक्स की तरह बनाते हैं आपकी किताब में भी बनाया हुआ है आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 185 तो यहाँ पर देखो इन दोनों को देखकर यहाँ लिखेंगे इसको और इसको देखकर यहाँ लिखेंगे इसको और इसको देखकर यहाँ लिखे एक मिनट इसको और इसको देखकर यहाँ लिखेंगे और उसी तरह से इसको और इसको देखकर यहाँ लिखेंगे मतलब आपको हर एक चीज देखते जाना है और यहाँ पर लिखते जाना है इसका यहाँ पर देख के लिखोगे इन दोनों का देखकर यहाँ पे लिखोगे इन दोनों का देखकर कर यहाँ पे लिखोगे और इन दोनों युग्मक को देखकर कर यहाँ पर लिखोगे तो सबसे पहला जो हम लोग ने देखा तो हमें पहला मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी देखो यहाँ का और यहाँ का मिला के यहाँ लिखते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गया हम लोगों ने इसको यहाँ लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी फिर यहाँ का हम लोगों ने देखा यहाँ भी हम लोग को मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी इसको हम लोग ने यहाँ लिख दिया यहाँ भी हमें मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी इसको हम लोग ने यहाँ लिख दिया यहाँ भी मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी इसको हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पे जो जनक था जो जनक मतलब मातृ जो मात्र और पिता मतलब ये नर और ये नर घटक और ये मादा घटक तो इन्होंने नर घटक को जो है वो लंबा पौधा लंबे लंबा जो है वो कहा और मादा घटक है उसको इन्होंने बोना कहा अब देखते हैं जो ये F1 पीढ़ी ये F1 पीढ़ी मतलब जब फलन हुआ जब जब उनमें संकर कराया गया तो जो F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे मिले सब लंबे थे लंबे क्यों थे F1 पीढ़ी के सब पौधे देखो मैंने आपको बताया क्यों लंबे हैं? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी है प्रभावी है मेंडल ने लंबे पौधे को प्रभावी कहा जहां भी कैपिटल टी होगा जहां भी कैपिटल अक्षर लिखा हुआ होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा जो स्मॉल में लिखा है उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा भले ही ये स्मॉल टीका जीन इसके अंदर है भले ही स्मॉल टीका जी जनु इसके अंदर प्रेजेंट है पर ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा इसलिए यह पौधा लंबा होगा यह भी पौधा लंबा होगा यह भी पौधा लंबा होगा और यह भी पौधा लंबा होगा कब F1 पीढ़ी में पहली संतान पीढ़ी में हमें जितने भी पौधे मिले सब लंबे मिले क्यों लंबे मिले क्योंकि सब में कैपिटल टी है और जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है तो जो अपना असर दिखाता है जो अपने जो अपने आप को व्यक्त करता है उसे प्रभावी बोलते हैं और जो अपना असर मतलब जो अपने आप को प्रभाव व्यक्त नहीं कर सकता उसको अप्रभावी बोलते हैं भले ही ये स्मॉल टी यहाँ पर है लेकिन उसका प्रभाव कम हो गया क्योंकि अप्रभावी अप्र, लक्षण अप्रभावी लक्षण के असर को बेअसर कर दिया इसीलिए हमें एफ वन पीढ़ी में जितने भी पौधे मिले सब लंबे मिले नेक्स्ट फिर मेंडल ने क्या किया जो एफ वन में मिला लंबा लंबा देखो एफ वन में जो भी लंबे पौधे मिले उनका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी अब उन्होंने उनके बीच में स्वयं परागण कराया मतलब एफ वन पीढ़ी में जो पौधे मिले उनके बीच में स्वयं परागण कराया गया फिर से हम लोग सेम वैसे लिखेंगे देखो अब हम लोग कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी नहीं ले सकते वो पहली जनक पीढ़ी थी P1 था वो पेरेंट्स थे अब हम लोग इनको लेंगे ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो पहली संतान पीढ़ी आई है उसको हम लोग लेंगे दो बार हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों क्योंकि दो जनक होते हैं तो इनके बीच में स्वयं परागण किया गया एक को फिर से नर घटक माना गया और एक को मादा घटक माना गया फिर इनके युग्मक यहाँ पर लिखे गए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पर लिखा गया कैपिटल टी स्मॉल टी और वापस यहाँ पर लिखा गया कैपिटल टी स्मॉल टी फिर जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको देखकर यहां लिखना है तो कैपिटल टी कैपिटल टी यहां आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पर आ गया यहाँ पर आपको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी फिर से आपको यहाँ पे मिला कैपिटल टी सॉरी दोनों स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी तो ये कौन सा जनरेशन है एफ टू जनरेशन द्वितीय पीढ़ी है ये एफ वन में हमें जितने भी मिले थे सब लंबो सब लंबे पौधे थे वो पहली पीढ़ी थी लेकिन अब ये हमें दूसरी पीढ़ी मिली तो देखो बच्चों दूसरी पीढ़ी में क्या डिफरेंस आया देखो ये कैपिटल टी कैपिटल मतलब ये पूरा लंबा पौधा है ये कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब इसमें कैपिटल टी है तो ये प्रभावी होगा ये अपना प्रभाव दिखाएगा तो ये भी लंबा होगा यह भी कैपिटल टी स्मॉल टी है यह भी अपना प्रभाव दिखाएगा यह भी लंबा होगा कैपिटल टी है और लास्ट वाले में स्मॉल टी स्मॉल टी है मतलब दोनों स्मॉल है तो यह पौधा जो है वो बोना होगा बोना मतलब छोटा ओके okay. तो इस तरह से मेंडल ने अपने प्रयोग में बताया कि किस तरह से जो है वो मेंडल ने एक संकर संतति का प्रयोग किया इसे बोलते हैं एक संकर संतति मतलब मेंडल यहाँ पे विरुद्ध लक्षण थे पर एक ही जोड़ी थी पौधे का मतलब पौधे की लंबाई एक लंबा और एक बोना इसलिए बोलते हैं इसको एक संकर संतति मतलब यहाँ पर जो मेंडल ने पौधा लिया था एक लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था लेकिन वो वो पौधे की ऊंचाई से ही संबंधित था लक्षण विरुद्ध है एक लंबा है और एक बौना है लेकिन एक ही जोड़ी है यहाँ पे सिर्फ एक ही जोड़ी थी कि पौधे की ऊंचाई वो बड़ा है या छोटा है वो लंबा है या बौना है वो तो विरुद्ध लक्षण लेकिन एक ही जोड़ी है तो ऐसे में शंकर प्रतिस्थापित हुआ और मेंडल ने देखा कि उनको एफ वन पीढ़ी में सब पौधे लंबे मिले जबकि जनक जबकि जनक जो माता थी वो बौना था लेकिन एफ वन पीढ़ी में उसका असर नहीं देखने को मिला लेकिन एफ टू पीढ़ी में हमने देखा कि चार पौधों में तीन पौधे लंबे तो एक पौधा बौना है तो ऐसे लक्षण जो है वो हमें देखने को मिले जबकि F1 जो पीढ़ी हमने लिया था उसमें दोनों लंबे मतलब जो दोनों लंबे थे लेकिन फिर भी हमें लास्ट में स्मॉल टी स्मॉल टी मिला तो यह लक्षण जो है वो उसको उसकी जनक P1 जनक पीढ़ी जो है वो उसकी मात मात्र के द्वारा माता के द्वारा जो है वो प्राप्त हुआ है ऐसा मेंडल ने प्रतिपादित किया ओके okay? तो मेंडल ने बताया कि वंशागति का यह पैटर्न मेंडल द्वारा गए सभी सातों लक्षणों में देखा गया मेंडल ने यह भी पाया कि अगर किसी किसी एक पीढ़ी में कोई लक्षण प्रकट नहीं होता तो वह अगले पीढ़ी में जो है वो आता है जैसा हम लोग ने देखा कि एफ पीढ़ी में हमें एक भी पौधे जो है वो बौने नहीं मिले थे लेकिन एफ पीढ़ी में हमें एक पौधा जो है वो बोना देखने को मिला तो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन के द्वारा जनुक के द्वारा जो है वो स्थानांतरित होते हैं जिन्हें गुण सूत्रों द्वारा ले जाया जाता है ओके तो जो लक्षण व्यक्त होता है उसे मेंडल ने प्रभावी कहा और जो लक्षण व्यक्त नहीं होता उसे मेंडल ने अप्रभावी कहा तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसे बोलते हैं मेंडल के प्रभाविता का नियम जो अभी हम लोग उसे बोलते हैं के प्रभाविता का नियम यहां पर मैंने आपको बताया मेंडल ने विरुद्ध लक्षण लिया था बट जोड़ी एक ही थी जोड़ी जोड़ी जो है वो एक ही थी जहां पर जो है वो पौधे की ऊंचाई ली गई थी लंबा या फिर बोना तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी कहते हैं और जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है देखो ये जनक है जनक मतलब मात्र पिता लंबा और बौना तो एफ पीढ़ी में हमने देखा कि हमें सभी पौधे जो है वो लंबे प्राप्त हुए थे फिर वापस से उनका स्वपरागण कराया गया जो भी एफ वन में हमें मिले थे तो लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जो हमें अनुपात मिल रहा है वो तीन एक था मतलब तीन लंबे पौधे थे और एक बौना पौधा था ओके okay? तो पहली जनक पीढ़ी में लंबा लंबा पौधा बौना पौधा एफ वन में हमें सब लंबे मिले फिर बाद में एफ वन में जो मिले उसमें से हम लोग ने एक नर घटक लिया एक मादा घटक लिया उनके बीच में स्वयं परागण कराया तो हमने देखा कि हमें तीन लंबे पौधे और एक बौना पौधा जो है वो एफ टू में देखने को मिलता है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों तो जो जीन प्ररूप है जीन प्ररूप मतलब अगर हम जीन को देखें जीन को जो अगर हम देखें तो ये देखो कैपिटल टी कैपिटल टी सबसे अलग है एक ही है कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार है तो यहाँ पे हमने दो लिखा और लास्ट में स्मॉल टी स्मॉल टी एक बार है तो जो जीन प्ररूप का अनुपात होता है वो है एक अनुपात दो अनुपात एक और अगर लक्षण को देखा जाए तो मुझे पता है जहां पर कैपिटल टी है वो हमेशा लंबा होगा तो यहाँ भी कैपिटल टी है यहाँ भी कैपिटल टी है यहां भी कैपिटल टी है, है, है तो इसीलिए तीन हो गया क्योंकि ये तीनों हो लंबे होंगे और लास्ट में स्मॉल टी स्मॉल टी है तो ये बोना होगा तो ये एक हो गया तो अगर हम जीन को देखें मतलब ये कैपिटल स्मॉल को देखें तब हमें रेशियो मिलता है एक अनुपाते, दो अनुपाते एक और अगर हम लक्षण को देखें तब हमें रेशियो मिलता है तीन अनुपाते एक तो जो मेंडल का दूसरा नियम है बच्चों पहला तो था मेंडल के प्रभाविता का नियम जो प्रभावी है वो अपना असर दिखाएगा और जो अप्रभावी है उसका असर नहीं दिखाई देगा वो उसका असर छिप जाएगा भले ही उसका जीन है बट उसका असर दिखाई नहीं देगा और फिर मेंडल ने अपने दूसरे नियम में बताया पृथककरण का नियम जिसे बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम देखो F1 पीढ़ी के पौधों में अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं दिया देखो F1 में हम लोग ने देखा जितने भी थे सब लंबे पौधे थे उसमें अप्रभावी हमें कोई दिखाई नहीं दिया तो मेंडल ने क्या बोला इसका ये मतलब नहीं है कि संकरण के बाद अप्रभावी लक्षण लुप्त हो गया जब पर्याय लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो लक्षण के जोड़े आपस में मिश्रित नहीं होते अगली पीढ़ी एफ में यह पृथक हो जाते हैं पृथक होना मतलब फिर से यह अलग अलग हो जाते हैं आप लोग देख सकती हो यहाँ पर लंबा एकदम अलग हो गया फिर यहां पर लंबा यहाँ पर लंबा और लास्ट में यहाँ पे बौना तो हमें शुद्ध लंबा शुद्ध बौना और एक मिश्र स्वरूप का लंबा जो है वो पौधा जो है वो प्राप्त होता है तो इसे मेंडल ने बोला पृथककरण का नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम तो जिसका असर दिखता है उसे मेंडल ने प्रभावी कहा और जिसका असर नहीं दिखता उसे मेंडल ने अप्रभावी कहा ओके और फिर मेंडल ने यह बताया कि एफ वन पौधों द्वारा लंबा लंबाई जो है वो प्रभावी लक्षण है पौधे का लक्षण जो है पीढ़ी में हमें दिखाई नहीं दिया इसीलिए इसे अप्रभावी कहा गया ओके और मेंडल ने अपने दूसरे नियम में बताया कि कैपिटल टी कैपिटल टी जो हमें पता है वो लंबा पौधा है और स्मॉल टी स्मॉल टी जो है वो बौना पौधा है तो जब हम लोग ने एफ वन में स्वयं परागण कराया तो हमने देखा कि अप्रभावी लक्षण हमेशा के लिए F1 में हमने देखा कि अप्रभावी लक्षण जो है वो हमेशा के लिए चला गया लेकिन बाद में जब हमने वापस से जो F1 में मिला उसको जब वापस से स्वयं परागण कराया तब हमने देखा कि हमें लंबे पौधे भी मिले और लास्ट में एक बौना पौधा भी मिला तो टी, कैपिटल टी कैपिटल मतलब शुद्ध लंबा और स्मॉल टी स्मॉल टी मतलब शुद्ध बौना तो इस तरह से मेंडल को अनुपात मिला जीन प्ररूप का अनुपात है एक अनुपात है, दो अनुपात है एक मतलब जीन को देखकर और लक्षण को देखोगे तो अनुपात मिलता है तीन अनुपाती। तो इसे बोलते हैं मेंडल की एक संकर संतति विरुद्ध लक्षण है बट एक ही जोड़ी है उन्होंने लिया पौधे की ऊंचाई लंबा या और, और बौना नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे मेंडल की द्विशंकर संतति तुम्हारे किताब में दिया हुआ है पेज नंबर 186 मेंडल की द्विशंकर इसे द्वि क्यों बोलते हैं यहाँ भी विपरीत लक्षण है लेकिन दो जोड़ी है यहाँ भी विपरीत लक्षण है लेकिन दो जोड़ी है राउंड येलो सीड्स मतलब यहां पर राउंड मतलब बीच का आकार और येलो मतलब बीच का कलर फ्रिंकल्ड मतलब मुरझाया हुआ और ग्रीन मतलब हरा तो यहाँ पर इन्होंने गोल पीला बीज लिया और मुरझाया हरा बीज तो यहाँ पे मटर का मटर के बीज का आकार भी है और कलर भी है इसीलिए इसे बोलते हैं द्विशंकर संतति यहाँ पर विरुद्ध लक्षण है बट दो जोड़ी है जहां पर बीज का आकार भी लिया हुआ है और बीज का कलर भी लिया हुआ है इसीलिए इसे बोलते हैं द्विशंकर संतति विरुद्ध लक्षण बट दो जोड़ी बीज का आकार भी है और बीज का कलर भी है तो इसको जिसे राउंड येलो मतलब बीज का आकार गोल है और कलर पीला है बीज का आकार झुर्रीदार है और कलर हरा है देखो यहाँ पर दो पौधे लिया इन्होंने ये जनक है जनक मेन एफ पी 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 वन जनक जिसमें पिता और माता तो सबसे पहले इन्हों जो, इन्होंने जो लिया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई तो क्योंकि ये प्रभावी है प्रभावी किसको उन्होंने बोला गोल और पीले मटर को गोल और पीले मटर को उन्होंने प्रभावी कहा फिर यहां पर जो मुरझाया और हरा मटर है उसको इन्होंने अप्रभावी कहा तो इन्होंने F1 वन जनरेशन में क्या देखा इनको जितने भी बीज मिले सब गोल रंग और पीले आकार के थे सॉरी गोल आकार और पीले रंग के थे F1 वन पौध मतलब F1 वन पीढ़ी में जितने भी पौधे इनको मिले उन्होंने सब में जो है वो बीजों को जब देखा तो सब में गोल आकार के और पीले रंग के बीज थे देखो मैंने आपको बताया जहां भी कैपिटल है वही अपना प्रभाव दिखाएगा कैपिटल आर मतलब राउंड है और स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड मुरझाया हुआ कैपिटल आर मतलब गोल स्मॉल आर मतलब मुरझाया हुआ कैपिटल वाई मतलब पीला और स्मॉल वाई मतलब हरा तो जहां पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई रहेगा मतलब वो गोल और पीले रंग के ही बीज होंगे जहां पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई होगा वही सिर्फ हरे और झुर्रीदार बीज होंगे बाकी जहां पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा सब गोल आकार और पीले रंग के ही मटर होंगे तो मेंडल ने देखा कि F1 वन जनरेशन में मतलब पहली संतान पीढ़ी में जितने भी पौधे मिले सबके मटर का आकार गोल और रंग पीला था फिर उन्होंने क्या किया जो F1 वन पीढ़ी में जो मिला उसको लिया गया उसके बीच में स्वयं परागण कराया गया देखो यहाँ पर ये तो पहला ही है जो पहला दोनों जनक है फिर उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में हमें सब मिल रहे हैं राउंड और येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो तो यहाँ पे आर और Y दोनों कैपिटल हैं इसी इसी का इसी का मैंने आपको यहां पर और एक स्लाइड्स लिया हुआ है ये दो जनक है ये है प्रभावी और ये है अप्रभावी तो F1 पीढ़ी में मेंडल ने देखा कि जितने भी मटर मिल रहे हैं मटर वो सब गोल आकार और पीले रंग के थे मतलब इसमें किसी भी पौधे में हमें ये वाला लक्षण देखने को नहीं मिला किसी में हमें झुर्रीदार और हरे रंग के बीज देखने को नहीं मिले लेकिन फिर से हमने क्या किया जो मंडल ने क्या किया जो F1 पीढ़ी में जो पौधे मिले थे उनके बीच में स्वयं परागण कराया और फिर उन्होंने देखा देखो यहाँ पर स्वयं परागण कराया ये F1 पीढ़ी के है? हाँ राउंड और येलो राउंड और येलो गोल पीले गोल पीले उसको इन्होंने लिया और उसके बीच में स्वयं परागण कराया तो देखो ये युग्मक है ये दिख रहा है आपको ये युग्मक है एक को नर घटक लिया और एक को मादा घटक लिया इसके युग्मक कैसे बनते हैं मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ पहले दोनों कैपिटल लिखने का दोनों कैपिटल रहेगा कैपिटल आर कैपिटल वाय फिर पहले वाले को स्मॉल कर दो दूसरे वाले को कैपिटल कर दो फिर पहले वाले को कैपिटल कर दो दूसरे वाले को स्मॉल स्मॉल कर दो और लास्ट में दोनों को स्मॉल कर दो ये शॉर्टकट है युग्मक बनाने का ठीक है तो ये एफ वन पीढ़ी में जो हमने जो हमें मिला हमने उसका स्वयं परागण किया युग्मक कैसे बनते हैं मैंने आपको वो बताया पहले स्टार्टिंग में दोनों को कैपिटल कर दो फिर एक को स्मॉल एक को कैपिटल फिर पहले वाले को कैपिटल दूसरे वाले को स्मॉल कर दो और फिर लास्ट में दोनों वाले को स्मॉल कर दो तो ये जो मेंडल का तीसरा नियम है उसे बोलते हैं स्वतंत्र अप्यूहन का नियम इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ पहले आप लोग देख लो ये देखो जो एफन पीढ़ी में मिला था फिर से उसके बीच में संकर कराया गया तो आप लोग ध्यान से देखोगे इन दोनों को आपको देखकर यहाँ लिखना है इन दोनों को देखकर कर यहाँ लिखना है इसको देखकर यहाँ लिखना है इसको देखकर यहाँ लिखना है ऐसे ही आपको हर एक बॉक्स जो है वो भरते जाना है आपकी किताब में भी दिया हुआ स्त्री युग्मक युग्म युग्मक युग्मक बनाया है फिर दोनों युग्मक को देखकर आपको बॉक्स में जो है वो लिखते जाना है अब यहाँ पे देखो दोनों कैपिटल है कैपिटल आर कैपिटल वाई तो ये राउंड येलो ही होगा ये भी राउंड येलो ही होगा क्योंकि कैपिटल है ये भी राउंड और येलो ही होगा क्योंकि कैपिटल है ये भी राउंड और येलो ही होगा क्योंकि कैपिटल है ये भी राउंड येलो होगा बट देखो यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल आर तो यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल आर लिख दिया हम लोग ने कैपिटल वाई कैपिटल वाई अब मैंने बोला स्मॉल आर स्मॉल आर है मतलब विंकल्ड होगा मुरझाया हुआ होगा यहाँ पे एक भी कैपिटल आर नहीं आया तो इसका आकार गोल नहीं होगा मुरझाया हुआ होगा पर बीज का जो रंग है वो इसका कैपिटल है मतलब येल्लो होगा तो मेंडल ने क्या बताया आपने स्वतंत्र अभ्यन के नियम में कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये गोल हरा बीज ले लिया स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग में मैंने झुरीदार और पीले बीज ले लिए तो यही लक्षण जो है वो मतलब जरूरी नहीं है कि गोल के साथ हमेशा हरा ही आएगा और जरूरी नहीं है झुरीदार के हमें झूरीदार के साथ हमेशा पीला ही रंग हमें प्राप्त होगा ये कभी भी आपस में बदल सकते हैं ऐसा मेंडल ने कहा इसी को बोलते हैं स्वतंत्र अपयुवन का नियम जब किसी जनक से दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है तब कोई भी लक्षण किसी दूसरे लक्षण पर आधारित नहीं होता इसका मतलब क्या जरूरी नहीं है गोल के साथ हमेशा हरा ही मिले जरूरी नहीं है झूरीदार के साथ हमेशा पीला ही मिले आपस में जो है वो चेंज हो सकते हैं F1 में F1 में तो उन्होंने प्रयोग किया F1 में तो उन्होंने देखा कि सब राउंड और येलो ही थे जितने भी पौधे मिलेंगे सब तुम्हें गोल आकार और पीले रंग वाले ही मिलेंगे लेकिन F2 में भी ऐसा ही होगा ऐसा मेंडल ने नहीं कहा मेंडल ने कहा कि आपस में चेंज भी हो सकते हैं ये चेंज होंगे आपस में जरूरी नहीं है जो हमने जनक रखा है वही हमें देखने को मिलेगा यह आपस में चेंज भी हो सकते हैं फिर देखो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंडल के इस प्रयोग को करने के बाद मतलब जब उन्होंने गोल आकार और पीले रंग के और यहाँ भी गोल आकार और पीले रंग के बीज में संकरण कराया स्वयं परागण कराया तो उन्होंने देखा कि उनको जो रेशियो मिला वो मिला नौ अनुपात तीन अनुपाते तीन अनुपाते एक ऐसा रेशियो उन्होंने पाया मतलब उनको नौ जो है वो गोल आकार और पीले रंग के बीज मिले तीन उनको झुर्रीदार और पीला मिला तीन उनको गोल और हरा मिला और लास्ट में उनको एक ऐसा मिला झुर्रीदार और हरा तो मेंडल ने क्या कहा गोल हमेशा हरे होंगे यह जरूरी नहीं है जब उन्होंने F2 से तुलना किया तो अगर हम देखें तो गोल पीला और झुर्रीदार हरा हम लेकर ही नहीं चले थे अगर आप देखोगे तो गोल पीला और झुर्रीदार हरा हम लेकर ही नहीं चले थे फिर भी वो लक्षण देखो हमें देखने को मिला गोल पीला और झुर्रीदार हरा तो ये जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से वंशागति कर रहे हैं मतलब जनक का कोई लक्षण एक दूसरे पर आधारित नहीं होता मंडल ने ऐसा अपने तीसरे नियम में बताया जिसे बोलते हैं स्वतंत्र अभ्युवन का नियम मतलब ये जो जनक लिया है ना जरूरी नहीं है कि वही हमेशा दिखाई दे देखो मेंडल ने लिया गोल हरा और झुर्रीदार पीला तो मेंडल ने गोल हरा लिया था और झुर्रीदार पीला लिया था देखो मेंडल ने गोल हरा और झुर्रीदार पीला लिया था फिर भी इनको झुर्रीदार हरा और गोल पीला जो है वो देखने को मिला तो इसे ही बोलते हैं मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूवन का नियम और जो इनको अनुपात मिला वो मिला नौ अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात एक नौ क्यों नौ इसको लिखा गया है जितने भी आर येलो वाले जितने भी हैं उसको नौ लिखा गया है झुर्रीदार पीला मतलब ये डब्लू वाई डब्लू हैं कितने है? देखो एक दो और तीन तो इसको तीन अनुपात दिया फिर गोल हरा गोल मतलब कैपिटल आर रहेगा और स्मॉल वाई रहेगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई तो ये कितने मिले इनका भी तीन अनुपात मिला और लास्ट में एक मिला झुर्रीदार और हरा देखो लास्ट वाला स्मॉल आर स्मॉल आर झुर्रीदार और स्मॉल वाई स्मॉल वाई हरा और ये वाले हैं जो गोल हरे हैं राउंड और ग्रीन तो ये जो मेंडल को अनुपात मिला वो है नौ अनुपाते तीन अनुपाते तीन अनुपात तो ऐसा मेंडल ने अपने प्रयोग में जो है वो सिद्ध किया जो पहला था वो था मेंडल के प्रभाविता का नियम जो दूसरा नियम था वो था मेंडल मेंडल का पृथककरण का नियम और जो तीसरा नियम था उसे बोलते स्वतंत्र का नियम तो ये जो मेंडल के जो नियम थे उनका महत्व भी था तो तो मेंडल ने क्या बताया जिस तरह पौधों की तरह मेंडल का जो नियम था वो उपयोगी लक्षण वाले हम पशु भी पैदा जो है वो कर सकते हैं मतलब जैसे जिस तरह से हमें जो लक्षण पशु में चाहिए वैसे संकरित पशु भी हम पैदा कर सकते हैं जैसे अधिक दूध देने वाली गाय अधि, अधिक अधिक दूध देने वाला जानवर अच्छी अच्छी नस्ल की भेड़ बकरिया नई नई किस्मों के पेड़ पौधे जो फल है उनका निर्माण ये सब जो है वो मेंडल के नियमों के द्वारा उपयोगी जो है वो सिद्ध हो रहा है दूसरा हम ऐसे फसल बनाए संकरित करके संकरण करके कि जिनमें रोग प्रतिरोधी मतलब जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो जिनमें कीड़े मकोड़े नहीं लगे कम समय में हमें अधिक पैदावार प्राप्त हो ऐसी फसलें हमें जो है वो प्राप्त मिले ज्यादा तापमान अगर हो तो भी फसलों को सहन करने की क्षमता हो कम तापमान ज्यादा तापमान कम समय में अच्छी पैदावार देना रोग प्रतिरोधक क्षमता हो ऐसी नई नई किस्म के पौधों का जो है वो निर्माण किया गया ऐसे भी पौधे का निर्माण किया गया जिनमें कीड़े मकोड़े ना लगे रासायनिक खाद डालने की मतलब रासायनिक छिड़काव करने की जरूरत ना हो तो यह सब मेंडल के नियमों का महत्व है किस तरह से हम लोग संकरण करके जो भी हमें चाहिए वैसा हम प्राप्त कर सकते हैं फिर मानव जाति के सुधार करने के लिए और वंशागत अनुवांशिकता वाले रोगों से बचने के लिए जो मेंडल का नियम है वो भी सुजन की विज्ञान मतलब उसमें भी सूजन की विज्ञान की जो है वो स्थापना हुई जिसे बोलते हैं यूजेनिक्स विज्ञान तो इस तरह से मेंडल के नियमों का महत्व जो है वो हमें अलग अलग पौधों का निर्माण अलग अलग किस्म के पौधे पशु अधिक दूध देने वाले जानवर अच्छी नस्ल की भेड़ बकरियां उपयोगी फल उपयोगी पेड़ पौधे अच्छी किस्म की पैदावार रोग प्रतिरोधी क्षमता कीड़े मकोड़े ना लगे ऐसे पौधों का निर्माण करने में मेंडल के नियम जो थे वो उपयोगी सिद्ध हुए अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग गुड मॉर्निंग मैम हाँ बेटा बोलो मेंडल का मेंडल का का महत्व जो नियमों अलग अलग हमें देखने को मिले लक्षण जैसे पहली पीढ़ी में सब हमें लंबे पौधे मिले लेकिन दूसरी पीढ़ी में हमें बौना पौधा भी मिला फिर इसके पहले इसके जो बाद में मैंने आपको बताया किस तरह से गोल पीले आकार के बीच और हरे और झुर्रीदार जो थे वैसे बीजों का संकरण जब कराया गया पौधों का तो हमें अलग लक्षण भी जो है वो देखने को मिले जो कि जनक में थे ही मतलब एफ वन पीढ़ी में थे ही नहीं ऐसे भी लक्षण जो है वो हमें एफ टू पीढ़ी में देखने को मिले तो ये जो मेंडल का जो मतलब प्रयोग था वो हमें मतलब उसका जो महत्व है कि मतलब हम उपयोगी मतलब उपयोगी लक्षण वाले जो पशु हैं वो भी हम लोग पैदा कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए जैसे अधिक दूध देने वाले जानवर अच्छी नस्ल की भेड़ फिर उसके बाद नए नए किस्म के पेड़ पौधे फल ऐसे भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं बना सकते हैं फिर ऐसे पौधे हम बनाए जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो जिनमें कीड़े मकोड़े ना लगे जो कम समय में अच्छी फसल अच्छी पैदावार दें ऐसी नई नई किस्मों का जो है वो उत्पादन जो है वो किया जा रहा है और साथ में जो वंशागत रोग हैं उनसे भी बचने के लिए नई नई खोजें जो हैं वो की जा रही हैं ओके ओके मैम थैंक यू मैम वेलकम हेलो गुड मॉर्निंग टीचर हाँ बोलो टीचर अनुवांशिकता किसे कहते हैं माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण जो संतान में संक्रमित होते हैं उसी को अनुवांशिकता कहा जाता है ओके okay? किस तरह से माता और पिता के जो लक्षण होते हैं शारीरिक और मानसिक जो उनकी संतान में संक्रमित होते हैं बच्चों में जाते हैं ना उसे बोलते हैं अनुवांशिकता समझ में आया हेलो मैम हाँ बोलो गुड मॉर्निंग मैम बोलो मुझे ना एफ वन और एफ टू प्यूरी नहीं समझ में आया वन मतलब पहली संतान पीढ़ी जो मेंडल ने देखो ना दो जनक लिया था ना यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देकर बताइए ना बताती हूँ ना रुको ना भाई तो बता रही हूँ देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ये दिख रहा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ आपको रेड कलर से रेड पॉइंट yes. से जो पॉइंट आउट करी वो दिख रहा है ना आपको देखो ये दो yes. जनक है ये एक को उन्होंने पुरुष नर घटक लिया और एक को मादा घटक लिया और इनके दो युग्मक बने इनके दो युग्मक बने तो ये पहली पीढ़ी है देखो पहली पीढ़ी में मेंडल ने क्या देखा कि जितने भी पौधे मिले जो फलन हुआ पराकण और बीजांड का जो फलन हुआ तो उससे जो नए पौधे जो मिले तो मंडल ने देखा कि जितने भी पौधे मिले सब लंबे थे क्योंकि इनमें प्रभावी लक्षण है प्रभावी जीन है फिर बाद में एफ को जब मेंडल ने लिया एफ के दो पौधों को लिया उनमें स्वयं परागण कराया तो मेंडल ने देखा F2 में जो द्वितीय संतान पीढ़ी F1 मतलब पहली संतान पीढ़ी और F2 मतलब द्वितीय संतान पीढ़ी उसमें उन्होंने देखा कि तीन पौधे लंबे तो एक पौधा जो है वो बौना दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं एफ वन मतलब ये, पहली एफ टू मतलब, मतलब दूसरी संतान पीढ़ी पी वन मतलब पहली जनक पीढ़ी पी टू मतलब दूसरी जनक पीढ़ी बोलो हामिज मतलब हाँ मतलब जो पहली संतान पीढ़ी है उनसे मतलब जो संतान प्राप्त उसने पर, परागण कराने पर जो मैं होता मैं F2 आ, वेरी, हाँ मैं बताती हूँ जो स्टार्टिंग में एकदम लिया था ना स्टार्टिंग में एकदम शुरू में जो लिया था ना लंबा और बौना वो तो मात, माता पिता हो गए बराबर तो उनसे जो में आया सब लंबे पौधे थे फिर लंबे पौधे को जब उन्होंने लिया उसके बीच में स्वयं परागण किया तब F2 जो दूसरी संतान पीढ़ी आई उसमें मेंडल ने देखा कि तीन पौधे लंबे तो लास्ट में एक पौधा में बौना जो है है वो देखने को मिलता जबकि हम लोग ने जो एफ जनक जो लिया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था तो ये लक्षण जो है वो पीवन जनक जो एकदम स्टार्टिंग में लिया था यह लक्षण जो है वो वो उसमें से इस संतान में जो है वो हमें देखने को मिलता है समझा मतलब कि जो पहली बोलो बोलो आवाज नहीं आ रही आपकी हेलो टीचर हाँ टीचर जो आपने स्मॉल टी का बताया था वो और बता मतलब प्रभावी जनु, जनु। देखो मैंने एक कान की पल्ली वाला उदाहरण दिया ना कान की ललरी वाला हाँ जो पिता के कान की ललरी थी वो कान से चिपकी हुई थी और माता के जो कान की ललरी थी वो कान का वो फ्री थी तो बच्चे में कौन सी ललरी बच्चे को प्राप्त हुई कान से चिपकी हुई पिता के द्वारा है ना तो कैपिटल टी मतलब प्रभावी मतलब जो अपना असर दिखाएगा और स्मॉल टी मतलब अप्रभावी भले ही उसका जनुक होगा लेकिन वो अपना असर नहीं दिखा पाएगा अब बच्चे में दोनों जनुक गए थे प्रभावी ये कान से चिपकी हुई ललरी वाले भी गए थे और खुली ललरी वाले भी गए थे लेकिन बच्चे को कौन सा लक्षण मिला उसके पिता द्वारा कान से चिपकी हुई ललरी तो जो कैपिटल जो कैपिटल होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा और जो स्मॉल लो, स्मॉल होगा वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा तो कैपिटल टी को जो कैपिटल हम लोग लिखते हैं वो हमेशा हम लोग प्रभावी के लिए लिखते हैं और जो स्मॉल टी लिखते हैं वो हम लोग हमेशा अप्रभावी के लिए लिखते हैं समझ में आया और अप्रभावी कभी अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा क्योंकि प्रभावी अगर है तो अप्रभावी को अपना प्रकट करने नहीं था द्विशंकर संति का जो भी प्रयोग है पनीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं किस तरह से जनक पीढ़ी पी वन एफ वन पी टू एफ टू किस तरह से उसे, उसे लिखते हैं आप एक बार फिर से उसे देख कर अच्छे से प्रैक्टिस करके कंटिन्यू करना और क्वेश्चन आंसर को लिख लेना ओके थैंक यू